नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। कैसे हैं मेरे सभी मित्र? आशा और उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। आज मैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आप लोगों से बात कर रही हूँ, और ये टॉपिक मुझसे पूछा गया है इंस्टाग्राम में। मुझे एक मैसेज आया था और वहाँ पे मुझसे पूछा गया कि मैं इस बारे में ज़रूर से बात करूँ कि हम जब HRT स्टार्ट करते हैं और किसी कारणवश अगर हमें HRT बीच में ब्रेक करनी पड़ती है, छोड़नी पड़ती है, तो क्या होता है हमारी बॉडी के साथ में। ये इस बात का जवाब मैं इसलिए दे पा रही हूँ क्योंकि ये कुछ मेरे साथ भी हुआ है। और जिस चीज़ के बारे में नॉलेज होती है, जो हमने या तो खुद से भुगता है, खुद से एक्सपीरियंस करा है, या फिर हमने कहीं से पढ़ा है, तो हम उस बारे में आपको जानकारी देते हैं। तो क्योंकि ये मेरे से जुड़ा हुआ विषय है, मेरे साथ भी ऐसे हुआ था कि मैंने सन 2016 से HRT स्टार्ट करी थी। जैसा कि मैं बहुत सारे वीडियोस में बोल भी चुकी हूँ कि मैं एक वर्ल्ड टूर करके आई थी अपने मदर के साथ में, उनकी बहुत इच्छा थी, तो एक अच्छी संतान होने का जो फ़र्ज था वो निभाने का मेरा मन था कि भाई अपनी ज़िंदगी जीने से पहले मैं अपनी मम्मा को, मम्मा की सबसे बड़ी हसरत पूरी करूं। और ये जब काम हो गया था 2016 इन द मंथ ऑफ मई, जब हम लोग घूम के आ गए थे वापस, तो ही मैं दिल्ली आई थी और मैंने यहाँ पे आके अपना HRT स्टार्ट किया था। अपना GID लेटर के लिए वर्क करा, काउंसलिंग करी, तो 2016 नवंबर से मैंने हारमोन्स लेने शुरू कर दिए थे। और 2018 जुलाई में मैंने अपने स्कूल से रिज़ाइन किया था क्योंकि मुझे सर्जरीज करवानी थी और मुझे दिल्ली मूव करना था, अपनी लाइफ को जीना था। और हारमोन्स लेते हुए उस समय मुझे तकरीबन 18 महीने या फिर 1.5 साल मान लीजिए लमसम हो चुका था। और वो 1.5 साल जो था वो बहुत ही अच्छे से मैंने HRT ली थी। मैं बता सकती हूँ कि शायद मैंने बहुत ही रिलीजियसली HRT को इंटेक किया था। और 2018 जुलाई में जब मैंने अपनी जॉब से रिज़ाइन किया था, तो मेरे को सर्जरी करवानी थी 2018 अक्टूबर में। मतलब मेरा डिसाइड हो चुका था कि अक्टूबर में सर्जरी करवा लूँगी और मैं अपना वेट रिड्यूस करने लग गई थी उस वजह से। लेकिन कुछ ऐसा हुआ कि भाग्य में कुछ और लिखा हुआ था, और UP सरकार ने उस समय 2018 में बेसिक शिक्षक भर्ती निकाली थी गवर्नमेंट, यू नो, जूनियर स्कूल्स के टीचर्स के लिए, प्राइमरी स्कूल के टीचर्स के लिए। तो मैंने उसमें अप्लाई कर दिया था, और क्योंकि मैंने जब एक जेंडर के साथ में उसमें अप्लाई किया था, तो मैं जब तक उस नियुक्ति का कोई भी रिजल्ट नहीं आता, तो मैं चेंज नहीं कर सकती थी अपने आप को। प्रोटोकॉल के हिसाब से वो इल्लीगल हो जाता, और मेरे एग्ज़ाम्स बहुत अच्छे गए थे, मैं मेरिट में थी उस समय। तो मुझे था कि भाई अगर मैं किसी तरह अगर मैं क्वालिफाई कर जाती हूँ, मेरा नाम आ जाएगा अगर इस गवर्नमेंट जॉब के लिए, और मैंने अपना ट्रांसफॉर्मेशन करवा लिया होगा, तो मैं प्रूफ ही नहीं कर पाऊँगी कि ये व्यक्ति मैं ही हूँ जिसने फॉर्म भरा था, क्योंकि तब तक मेरा जेंडर पूरा चेंज हो जाता, मेरे डॉक्यूमेंट्स में मेरा जेंडर चेंज हो जाता, और मैं कभी क्लेम नहीं कर पाती उस नौकरी के लिए। तो सब लोगों ने यही सजेस्ट किया था कि आप अभी कुछ समय और इंतज़ार कर लीजिए। तो मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ कि 2018 जुलाई पे मेरे को हारमोन्स छोड़ने पड़ गए थे, मजबूरी बन गई थी, क्योंकि लोगों को नॉलेज नहीं थी इतनी। सब लोगों ने यही सब बातें बोली कि आपका मेडिकल टेस्ट होगा, और मेडिकल टेस्ट में बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं वो टेस्ट करेंगे, और अगर वहाँ पर उनको मालूम चलता है कि आपके हारमोन्स के बारे में या आपके बॉडी स्ट्रक्चर चेंज हो रही है इनसाइड उसके बारे में, तो हो सकता है कि आपको इस जॉब के लिए डिसक्वालीफाई कर दिया जाए। तो इतना मतलब मैं डर भी गई थी, और मेरे एग्ज़ाम इतने अच्छे हुए थे, तो मुझे ये था कि भाई इतना बड़ा रिस्क कौन ले, चलो छोड़ देते हैं और जनवरी फरवरी तक रिज़ल्ट आ जाएगा, वेट कर लेते हैं। तो मैंने जुलाई हार्मोन्स नहीं खाए, जुलाई के बाद में जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, यानी 8 मंथ्स मैंने हार्मोन्स नहीं खाया था। और उसके बाद कुछ ऐसा हुआ कि मतलब मैं सोचती हूँ कि शायद अगर आप एक बार हार्मोन्स स्टार्ट कर देते तो आपको बीच में नहीं छोड़ना चाहिए, भले कुछ भी हो जाए। ये मैं आपसे अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ। मैं पूरी तरह रिवर्स हो चुकी थी, मतलब वो जो 1.5 साल 1.5 साल जो मैंने हारमोन्स के ऊपर पैसा खर्च किया था, अपनी बॉडी को इतना चेंज किया था, वो सब कुछ रिवर्स हो चुका था, हर चीज़ रिवर्स हो गई थी। लेज़र ट्रीटमेंट के थ्रू जो फेशियल हेयर रिमूवल था, वो सब कुछ चेंज हो चुका था। मतलब बिल्कुल मैं जहाँ से मैंने शुरू करा था, मैं वहीं पे वापस लौट गई थी। मतलब सिर्फ 8 महीनों के अंदर ये काम हो गया था मेरे साथ में। फरवरी आते आते मतलब मैं पूरी तरीके से, आप कह सकते हैं कि जो फेस का स्ट्रक्चर जो चेंज होता है, जो बॉडी में जो कुछ चेंज होता है, बस ये था कि हाँ कुछ फैट डिस्ट्रीब्यूशन जो था वो रिड्यूस नहीं हो पाया था, वो स्टोर्ड था कुछ कुछ जगहों पे, अदरवाइज उसके अलावा जितने भी सिम्टम्स थे वो सब कुछ रिवर्स हो चुके थे और पूरी तरीके से
विदिन 8 months, क्योंकि आपका जो नेचुरल टेस्टोस्टेरोन्स आपके बॉडी में बनता है वो इतना पावरफुल होता है, देखिए नेचर नेचर ही होता है, वो आपका बहुत पावरफुल है। तो वो जो नेचुरल हार्मोन्स बॉडी में बन रहे थे उन्होंने विदिन 8 months सब कुछ चेंज कर दिया था। मतलब 2 साल तक जो मेहनत मशक्कत की गई थी वो सब कुछ तुरंत चेंज हो गई थी। बल्कि मैं कहूँगी कि 5 महीने के बाद से मुझे चेंजेस मालूम होने लग गए थे कि हाँ मेरी बॉडी में वो जो डिज़ायर्ड चेंज आने चाहिए थे वो नहीं आ पाए थे। तो कहने को मैंने जब सर्जरी करवाई 2021 में, तो अगर मैं 2016 से जोड़ती हूँ तो 2021 तक मैंने 5 साल तक हारमोन्स लिए हैं, लेकिन इन 5 सालों में मैं एक बार पूरी तरीके से रिवर्स हो चुकी थी। यानी कि मैंने फेबररी में जब महसूस करा कि सब चीज़ें बिल्कुल बेकार होती जा रही हैं, बॉडी बिल्कुल बेकार होती जा रही है, लेकिन मैं उस समय भी हार्मोन्स स्टार्ट नहीं कर सकती थी क्योंकि वो जो एग्ज़ाम का जो रिजल्ट था वो एक एक महीने करके डिले होता चला गया। और आप बिलीव नहीं करेंगे, पूरा 2019 पूरा 12 महीने जो था वो रिजल्ट डिलेड रहा। वो हाई कोर्ट इलाहाबाद में उसको क्लेम कर दिया गया था और वो कोर्ट में चला गया था। एक के बाद एक उसमें बार बार सुनवाई हो रही थी, उसमें हियरिंग्स हो रही थी, तो उस वजह से वो 1 साल तक पेंडिंग रहा। 2020 में मैंने फिर से प्लान किया कि चलो जब तक ये नहीं जॉब मिल रही है मैं दिल्ली जाती हूँ, कुछ छोटा मोटा काम करती हूँ, क्योंकि जॉब तो मैं छोड़ चुकी थी 2018 में। 2019 पूरा खाली रही, 2020 पूरा खाली रही, और 2020 के जनवरी में मैंने ये डिसाइड किया था कि मैं दिल्ली शिफ्ट हो जाऊँगी। मैं यहाँ पे आई और मैंने आके कॉल सेंटर में वर्क करना शुरू करा, और उसके बाद कोरोना लग गया। और जून में, मतलब 2020 जून में मुझे मालूम चला कि वो जो नियुक्ति है वो नहीं हो पाया है, उसमें उसमें प्रॉब्लम्स आ गई हैं, उसे बहुत धांधली हो गई है, बहुत धोखाबाजी हुई है, उसमें नहीं हो पाया है मेरा सिलेक्शन। और मैं बहुत रोई, मैं बहुत परेशान हुई, क्योंकि मेरा सर्जरी था 2018 अक्टूबर में प्लान, वो नहीं हो पाया। मेरे हार्मोन्स छोड़ दिए 2 साल, तो मेरी पूरी बॉडी रिवर्स हो चुकी थी। और फिर मुझे 2020 जून से मैंने फिर से हार्मोन्स खाने शुरू करे। यानी 2016 से 2018 जुलाई तक हार्मोन्स खाए थे, पूरा बॉडी चेंज हो गया था, बिल्कुल एक फेमिनिन कैरेक्टर सामने आ चुका था। लेकिन 2018 जुलाई से फिर हार्मोन्स छोड़ा, और 2020 जून तक, यानी कि तकरीबन 2 साल तक मैंने हार्मोन्स नहीं खाए थे। और उन 2 सालों में भयंकर तरीके से मेरी बॉडी का मैंने इतना नुकसान किया था, अपने कॉम्प्लेक्शन, अपने हेयर ग्रोथ, अपने फेशियल हेयर, अपने बॉडी की बोन्स स्ट्रक्चर्स, अपने बॉडी के जो फैट डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसका, हर चीज़ का बहुत ज़्यादा मतलब डिस्ट्रॉय हो गया था। और फिर 2020 जून से मैंने हार्मोन्स लेना शुरू करा, और 2021 में फिर मैंने अपनी सर्जरी परफॉर्म करवाई, और 2021 के बाद से फिर मैंने हार्मोन्स नहीं खाए थे। मुझे बहुत मतलब ये था कि मैं नहीं खाऊंगी, कुछ लोगों ने कहा भी मतलब कि इतनी मेडिसिंस खा ली थी सर्जरी के टाइम पे कि मतलब मैं थक गई थी मेडिसिंस खा खा के, तो मुझे बिल्कुल मन नहीं था कि अब मैं हार्मोन्स नहीं खाऊंगी। तो आप मान के चलिए कि मुझे ऐसा लगता है कि अभी लोग देख के बोलते हैं कि बहुत फेमिनिटी है, बहुत अच्छा लुक है। मैं सोचती हूँ कि अगर मैंने वो 2-2.5 साल का गैप नहीं लिया होता तो शायद और खूबसूरत रिजल्ट आते सामने। तो मैं ये बात बोलना चाह रही हूँ यहाँ पे कि एक बार अगर आप हार्मोन की जर्नी स्टार्ट कर देते हैं, अपने पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं अपने ब्लड टेस्ट, अपने हार्मोनल इंजेक्शन, अपनी मेडिसिन के ऊपर, तो कोशिश करिए कि किसी कारणवश आपको हार्मोन्स नहीं रोकना पड़े, और आपका हार्मोनल जो बॉडी है वो दोबारा से रिवर्स ना हो जाए। क्योंकि इतने सारे हार्मोनल डिसबैलेंसेस होते हैं तो बॉडी को बहुत परेशानी होती है, बॉडी को बहुत झेलना पड़ता है। मैंने खुद वो सब चीज़ें बर्दाश्त की हैं। और उसके बाद जब वो 2020 जून से मैंने जब दोबारा से हार्मोन्स लेना शुरू करे थे, तो मैंने बहुत स्ट्रिक्टली हार्मोन्स लिए, बहुत अच्छे से हार्मोन्स लिए थे, और अपनी डाइट के ऊपर बहुत ध्यान दिया था। और मैं पूरी तरीके से बहुत ही अच्छे से डाइट ले रही थी कि आप मान के चलिए कि जब मेरी सर्जरी अप्रैल में हुई थी 2021 अप्रैल में, तो मेरी बॉडी में कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं थे, किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं थी। मेरे 23 ब्लड टेस्ट हुए थे जिसमें बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट भी थे, और मेरा एक भी ब्लड टेस्ट का रिपोर्ट जो था वो नेगेटिव नहीं था, सब पॉजिटिव रहा, सब कुछ अच्छा रहा, किसी में कोई प्रॉब्लम नहीं आई। बस एक HIV का रिपोर्ट जो आया था वो मतलब नेगेटिव था, वो पॉजिटिव नहीं था, थैंक गॉड। उसके अलावा सारे जो रिपोर्ट्स थे सब पॉजिटिव, 23 ब्लड टेस्ट हुए थे और सबके सब नॉर्मल थे, सब कुछ बढ़िया था। तो आप ये मान के चलिए कि
सिर्फ 8 महीने 10 महीने मैंने अपने आप को हार्मोन्स पे रखा और अपने आप को अच्छी डाइट पे रखा, अच्छे से फिटनेस मेंटेन करी और मुझे किसी प्रकार की कॉम्प्लिकेशन नहीं हुई। लेकिन फिर भी जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं यही कहूँगी कि अपना माइंड सेट कर लीजिए, पहले डिसाइड कर लीजिए, फैमिली से कंसल्ट कर लीजिए, अपने साइकेट्रिस्ट से कंसल्ट कर लीजिए, एंडोक्रिनोलॉजिस्ट से कंसल्ट कर लीजिए। एक बार अगर आपने हार्मोन्स लेना स्टार्ट करा तो कोशिश कीजिएगा कि आपको हार्मोन्स ना छोड़ना पड़े, ताकि आपकी बॉडी रिवर्स ना करे। अदरवाइज़ ये बॉडी रिवर्स कर जाती है और फिर से वो सब चीज़ें नेचुरली होने लग जाती हैं जिस तरीके से आपने जन्म लिया होता है। तो मुझे लगता है कि आप लोग मेरी टेक्निकल इस बात को समझ पाए होंगे। वीडियो लंबी ना हो जाए इसलिए इसको विराम दे रही हूँ। वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और अपना प्यार अपने कमेंट्स के माध्यम से मुझसे बनाए रखिए। और कुछ भी अगर आपको जिज्ञासा होती है, कोई क्वेश्चन ऐसे रिलेटेड हार्मोन से रिलेटेड, आप प्लीज़ मुझसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा, मैं आपका ज़रूर से जवाब दूंगी। और प्लीज़ प्रेयर कीजिएगा, कल मेरी लाइफ का एक इम्पॉर्टेंट डे है, मैं आप लोगों के साथ साझा करूंगी कल उस बात को एक नई वीडियो के साथ में। तब तक के लिए आपसे विराम लेती हूँ। बाय, नमस्कार।